अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपनी तैयारी अनअकैडमी प्लस से करिए। PMYT ये डिस्काउंट कोड एंटर करते ही आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा और ये डिस्काउंट कोड पूरे अनअकैडमी पर वैलिड है। किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं PMYT ये डिस्काउंट कोड लगाइए, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग बात करेंगे SSC 2022 जो CGL का एग्जामिनेशन हुआ है प्री का, उस प्री की कट ऑफ क्या होने वाली है। बहुत सारे पॉइंट हैं, उन सभी पॉइंट्स पे हम लोग डिस्कस करेंगे। प्रीवियस ईयर में क्या सीन रहा था और इस पर्टिकुलर ईयर में क्या सीन होने वाला है आपका CGL 2022 का टीयर वन का, वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। सेफ स्कोर क्या होने वाला है, तो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो लोग भी SSC CGL टीयर वन के कट ऑफ की वेट कर रहे हैं कि रिजल्ट आए और कट ऑफ पता चले, तो उस रिजल्ट से पहले मैं एक्सेप्टेड कट ऑफ आपको बताऊंगा। ये फाइनली इसी के आसपास लगभग आपका होने वाला है जब भी रिजल्ट आएगा, क्योंकि उसके लिए मैं ऐसे नहीं बात कर रहा हूँ, उसके लिए डाटा मैंने आपको मैं यहाँ पे दूंगा इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो वीडियो में बने रहने के लिए आप लोग आगे बढ़े रहिए, उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए बिकॉज ऑफ इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन। तो आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में और बात करते हैं हम वो सभी पॉइंट्स की जिस पॉइंट्स के बेस पे हम आज एक्सेप्टेड कट ऑफ की बात करने वाले हैं। जो हमारा एनालिसिस पॉइंट है वो है आपका प्रीवियस ईयर की कट ऑफ क्या रही है, नंबर ऑफ वैकेंसीज और सेलेक्टेड कैंडिडेट्स क्या रहे हैं, और जो सीन है आपका नॉर्मलाइजेशन का वो क्या रहा है। इन तीन पॉइंट पे जो एनालिसिस पॉइंट है हमारा, इसके बेस पे हम लोग फाइनल एक्सेप्टेड कट ऑफ की बात करेंगे, कितना एक्सेप्टेड कट ऑफ जो है वो होने वाला है। तो स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं, चलिए मैं आपको ईयर वाइज वैकेंसी और यूआर कट ऑफ की मैं बात करता हूँ, ताकि आपको एक आइडिया लगेगा कि अगर अनरिजर्व कैटेगरी की इतनी कट ऑफ रही है तो बाकी जो कैटेगरीज हैं उनमें कितनी कट ऑफ होने वाली है, उसकी भी हम लोग डिस्कस करेंगे उसका आगे इस पर्टिकुलर वीडियो इसी वीडियो में। तो स्टूडेंट आप अगर देखें 2018 में 2018 में नंबर ऑफ वैकेंसी रही थी 11,271 वैकेंसी, तो यहाँ पे जो टीयर वन का कट ऑफ था वो आपका हुआ था 137, यानी नंबर ऑफ वैकेंसी 11,000 थी तो जो कट ऑफ था वो 137 यानी 137 कट ऑफ था। साथ ही अगर मैं सेलेक्टेड कैंडिडेट की बात करूं तो इतने कैंडिडेट सेलेक्ट हुए थे, यानी कि 150,396 150,396 कैंडिडेट जो है वो सेलेक्ट हुए थे प्री में। मैं यहाँ पे प्री की एग्जामिनेशन की बात कर रहा हूँ, यानी ओवरऑल 13 टाइम्स कैंडिडेट को बुलाया गया था। एक सीट पे 13 विद्यार्थियों को प्री के लिए क्वालिफाई किया गया था, ठीक है। अगर मैं बात करूं सेम 2019 की, तो 2019 में ये था वैकेंसी कम हो गई थी, केवल 8,428 वैकेंसीज थी, जिसमें आपकी कट ऑफ जो है, अब जाहिर सी बात है जब वैकेंसी कम होगी तो वैकेंसीज कम होने की वजह से जो कट ऑफ है वो हाई चली गई थी, 147 कट ऑफ थी, जिसमें जो नंबर ऑफ कैंडिडेट थे वो आपके टीयर वन में सेलेक्ट किए गए थे 1,25,279 कैंडिडेट से, जो कि 14 टाइम थे, ठीक है, यानी कि वन सीट एंड 14 कैंडिडेट्स। 2019 का ये सीन था। 2020 की अगर मैं बात करूँ 2020 की, तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ वैकेंसी थी ये थी आपकी और भी कम हो गई, 7,035 ओनली, केवल इतनी वैकेंसी थी जिसमें कट ऑफ 132 गया। उसके कई सारे रीज़न होते हैं, कट ऑफ कम होना या ज़्यादा होना डिपेंड करता है पेपर के लेवल पे भी, ठीक है, जो भी पेपर का लेवल रहा है या फिर कितने टाइम वो बुला रहे हैं। अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा वो बुलाएगा, SSC की तरफ से बुलाया जाएगा, तो इसका मतलब कट ऑफ कम होगी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो 16 टाइम बुलाया गया था, मतलब 16 टाइम्स जो है कैंडिडेट्स जो है सेलेक्ट किए गए थे एक सीट पे, कितने भी स्टूडेंट 16 स्टूडेंट्स। अगर मैं बात करूँ यही 2021 की, तो यहाँ पे वैकेंसीज 2020 के हिसाब से यहाँ पे 2021 में वैकेंसीज थोड़ी सी बड़ी थी, 7,686 वैकेंसी, जिसमें आपका कट ऑफ जो है वो चला गया था 130 पे टीयर वन का कट ऑफ, और जिसमें आपका 14 टाइम स्टूडेंट्स को प्री के लिए क्वालिफाई किया गया था। यानी ये सीन अब तक का रहा है, अगर मैं 2018, 2019, 2020 और 2021 की बात करूं तो ये सालों में ये कट ऑफ का सीन रहा है, इतने टाइम्स लोग बनाए गए। लेकिन 2020 का जो सिनेरियो है, 2022 का सॉरी 2022 का जो सिनेरियो है वो बिल्कुल अलग है, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज जो हैं वो अगर हम इन सभी सालों को मिला दें, सभी ईयर्स को काउंट कर लें, फिर भी इसके बराबर नहीं पहुँचता है प्यारे विद्यार्थियों। इसका मतलब ये जो वैकेंसीज है आपकी बहुत ज़्यादा है, 37,000 प्लस वैकेंसीज इस बार 2022 में SSC CGL की तरफ से
दी गई हैं और इतनी वैकेंसी, तो कट ऑफ जो है वो 15 टाइम बुलाया जाएगा। अगर मैं बात करूँ 15 टाइम्स की, तो ये आपके जो सेलेक्टेड कैंडिडेट होंगे 5,55,000 कैंडिडेट, एक्सेप्टेड कैंडिडेट हैं जो टीयर वन में सेलेक्ट किए जाएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि लगभग 15 टाइम यानी 15 टाइम्स जो है स्टूडेंट्स को बुलाया जाएगा 2022 के लिए, जिसमें एक्सेप्टेड अगर मैं बात करूं कैंडिडेट की, सेलेक्टेड कैंडिडेट की टीयर वन में, तो वो होंगे 5,55,000 कैंडिडेट्स। तो ये हमारा सिनेरियो रहा है प्रीवियस ईयर के कट ऑफ और प्रीवियस ईयर की वैकेंसी को अगर हमने कंपेयर किया, तो ये हमें पता चला कि ये पूरा का पूरा सिनेरियो बन रहा है। अगर मैं बात करूं फाइनल एक्सेप्टेड कट ऑफ की, जो कि टीयर वन के लिए होने वाली है, तो स्टूडेंट यू आर कैटेगरी में अगर आप 111 से लेके 120 के बीच में आप आ रहे हैं, यानी कि 111 से आप 120 के बीच में आपके जो नंबर हैं वो बन रहे हैं, तो आप सेफ में हैं, सेफ जोन में हैं। आप टीयर टू की तैयारी डेफिनेटली करते रहिए बिना किसी परेशानी के, ठीक है। अगर मैं ओबीसी की बात करूं, तो 103 से 111 के अगर आप बीच में हैं, तो आप भी ओबीसी में भी इस कैटेगरी में आप अपनी तैयारी करते हैं। साथ में ईडब्ल्यूएस की अगर मैं बात करूं, तो 99 टू 108 के बीच में अगर आप हैं, तो आप अपनी तैयारी टीयर टू की कर सकते हैं। साथ ही एससी 95 टू 105, और एसटी में अगर आप 89 से 97 के बीच में टीयर वन में आपका बन रहा है, तो अपनी तैयारी करते रहिए। तो बहुत सारे पॉइंट मैंने इस वीडियो में आपको बताए, जिस पॉइंट पे हम लोगों ने डिस्कस किया कि क्या क्या कट ऑफ, मतलब किस तरह से वैकेंसी थी, कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट जो है वो बुलाए गए थे एग्जामिनेशन के लिए। तो इस तरह से हमने इस बार देखा कि क्या कट ऑफ होने वाली है। फाइनल कट ऑफ है, इसके आसपास ही कट ऑफ होने वाला है, तो आप अपनी तैयारी करते रहिए। एक्सेप्टेड फाइनल कट ऑफ मैंने आपको बता दिया। साथ ही प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप अपनी तैयारी कर रहे हैं, तो अनअकैडमी से आप बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी करिए। यहाँ पे सभी जो बैचेज आपको मिलेंगे, एमटीएस का हो गया, दिल्ली पुलिस के बैच हो गए, साथ ही सीजीएल 2023 जो कि जिसकी डेट आ चुकी है कि कब फॉर्म आएगा, कब एग्जामिनेशन होगा, एक्सेप्टेड डेट, तो उसकी आप तैयारी कर सकते हैं प्री प्लस मेंस की। इन बैचेस के साथ, लाइव बैचेस के साथ आपको यहाँ पे मिलते हैं बहुत सारे टेस्ट, जिसको आप अटेम्प्ट करके इन टेस्ट को आप अपनी तैयारी जो है उसको जांच सकते हो कि कितना अच्छा तैयारी है। साथ ही में आपको नोट्स प्रोवाइड किया जाता है, वो दोनों ही फॉर्म में होगा, बुक और पीडीएफ। कंप्लीट में अपने आपको डेली टेस्ट करिए, और आस्क का डाउट फीचर जो कि आप लाइव क्लास में अपने एजुकेटर से अपना डाउट पूछ सकते हैं। तो एसएससी के साथ साथ और जितनी भी कैटेगरी जैसे यूपीएससी, बैंक, रेलवे, सीडीएस, एनडीए, स्टेट, पीसी, यूजीसी, नेट, आईआईटी, नीट, इन सबके लिए पीएमवाईटी कोड जो है वो डिस्काउंट कोड के रूप में आप यूज़ कर सकते हैं फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट, और यहाँ से आपको जो है मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। साथ ही आप अपने सभी ऐसे एजुकेटर से पढ़ेंगे जो कि उस एरिया में ऑलरेडी कई बार सेलेक्टेड हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, अपनी तैयारी कर सकते हैं, और टीयर टू के लिए आप बिल्कुल अपनी मेहनत करते रहिए, क्योंकि इस बार वैकेंसी ज़्यादा है और आपके चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।